हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस इंडियन। तो आज के हम इस वीडियो में ऐसी सात चीज़ों के बारे में बात करेंगे, विंटर के फूड्स ऐसे सात जो आपको कंसीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आपका कंसेप्शन का प्रोसेस एकदम फास्ट हो जाएगा। तो विंटर सीजन यानी कि सर्दियाँ प्रेग्नेंट होने के लिए एकदम बेस्ट टाइम होता है। आयुर्वेद के हिसाब से भी इस टाइम आपकी फर्टिलिटी एकदम पीक पे होती है। तो हम भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होने में हेल्प हो और हम जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सके। तो फर्स्ट थिंग जो आपकी लेनी है वो है एप्पल्स। एप्पल बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव हार्मोन होता है उसे कम करता है, जैसे कि PCOD या थायराइड में हार्मोनल फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करता है एप्पल। ईस्ट्रोजन अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो उसे कम करता है। लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपको रोज एक एप्पल तो ज़रूर लेना है। सेकंड है मौसम्बी। इसका आप जूस ले सकते हैं या नॉर्मल मौसम्बी खा सकते हैं। यह आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जो फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, ओव्यूलेशन रेट बढ़ाता है, इसलिए मौसम्बी भी बहुत अच्छा है। तो विंटर्स में आप मौसम्बी का सेवन ज़रूर करें। थर्ड है स्ट्रॉबेरीज। ये खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरीज में भरपूर विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फोलेट होता है, PCOD PCOS में भी आप खा सकते हो। स्ट्रॉबेरीज आपको वेट लॉस करवाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, आप बहुत सारे तरीक़ों से स्ट्रॉबेरीज खा सकते हो, इसलिए स्ट्रॉबेरीज अपने डाइट में ज़रूर ले। भले आप ओटमील में लो या स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाओ, कुछ भी करके आप पी सकते हो, स्ट्रॉबेरीज खा सकते हो। फोर्थ है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में होता है भरपूर विटामिन सी, फोलेट, बहुत सारा फाइबर, कैल्शियम होता है, ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है, हड्डियों को एकदम मजबूत करता है। अगर खून की कमी है तो ऑरेंज पूरा करता है खून की कमी को, आपको अनेमिया से बचाता है। जो महिलाएं अनेमेटिक है ना, उसे तो ऑरेंज ज़रूर लेना चाहिए, डेली आपको दो ऑरेंज ज़रूर ले। फिफ्थ है कीवी। कीवी में नेचुरली फोलेट पाया जाता है जो कंसीव करने में हेल्प करता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपने फॉलिक एसिड तो ज़रूर सुना होगा। फोलेट को सिंथेटिक फॉर्म में फॉलिक एसिड बनाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर आपको अभी प्रेगनेंसी प्लान करनी हो ना, तो उसके 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको नेचुरल फोलेट का सोर्स मिल रहा है, उसे तो आप ज़रूर ले। ठीक है, ये फीमेल एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और मेल्स में स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और इसमें होता है बहुत सारा जिंक, बहुत अधिक मात्रा में कीवी में जिंक पाया जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कीवी खाने से फीटस यानी कि बेबी, जो होने वाला हमारा बेबी है, उसमें ग्रोथ डिफेक्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ग्रोथ डिफेक्ट से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो जाता है, आपने प्रेगनेंसी तो कंसीव कर ली लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो जाता है, ये कीवी खाने से कम होता है, क्योंकि वो ग्रोथ डिफेक्ट्स को कम करता है और बेबी में जो हार्ट बीट नहीं आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो कीवी आपको ज़रूर लेनी है और फोलेट के अगर और कोई सोर्सेस हो ना, वो भी आपको लेने हैं। फिर है डेट्स। डेट्स में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो अनीमिया को ख़त्म करता है। डेट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ये एग्स को मैच्योर होने में हेल्प करते हैं, जिससे आपकी ओव्यूलेशन रेट बढ़ती है, इम्प्लांटेशन में हेल्प होती है और जो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन होते हैं उसमें भी बहुत हेल्प करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेट्स का सेवन आपको ज़्यादा नहीं करनी है, रोज़ 2 से ज़्यादा डेट्स नहीं खानी है, इससे बॉडी में गर्मी बढ़ती है। ठीक है, डेट्स आपको खजूर खाने का प्रेगनेंसी में भी ना बोलते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेवन्थ है स्पिनच। स्पिनच यानी कि पालक। जब फर्टिलिटी की बात आती है तो स्पिनच बहुत अच्छा होता है, इसमें फोलेट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है जो बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम और मैंगनीज होता है। अगर आप 1 कप पालक लेते हैं ना, तो आपकी विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है।
एग की क्वालिटी को बेहतर बनाता है जिससे प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव हो। में ताज़े ताज़े पालक खाने बिल्कुल ना भूले, ठीक है, पालक आपको ज़रूर लेनी है। तो इस सर्दियों में अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने का मौका ना छोड़े, इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।